जतमन में 25 अप्रैल को खोराबार थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर के पीड़ित परिवार प्रदेश सरकार की तरफ से मिले सहायता राशि को ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में मृतक गामा निषाद के दोनों पुत्रों को ढाई ढाई लाख का चेक सौंपा, जिसके संबंध में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया कि 25 अप्रैल को एक सरफिरे के द्वारा खोराबार के रहने वाले गामा निषाद व उनकी पत्नी व उनकी पुत्री की निर्मम हत्या कर दी थी, जिससे उनके दोनों नाबालिग पुत्र अनाथ हो गए थे, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घटना से अवगत करवाया गया तो उन्होंने पीड़ित परिवार के दोनों बच्चों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख की सहायता राशि दी, जो कि दोनों बच्चों सुग्रीव निषाद और अच्छे लाल निषाद को ढाई ढाई लाख का चेक प्रदान कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा पीड़ित परिवार के साथ है, हम लोग भी व जिला प्रशासन भी पीड़ित परिवार के साथ है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इस अवसर पर विधायक विपिन सिंह के साथ एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, कानगो वीर बहादुर सिंह, चंद्रपाल सिंह राही, राकेश सिंह, वैभव ग्रहरी, डॉक्टर रमेश निषाद, गिरीश सिंह उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह एवं एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, उसको आप लोग फिक्स कर लेंगे, ठीक है ना? तो आगे चल के आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। एक विगत कुछ दिनों पहले यहाँ पर खोराबार के रायगंज में तेहरी हत्या हो गई थी। एक पागल आदमी ने, तब पागल ही कहा जाएगा उसको, जो इस तरह से घटना करता है, तो इनके माँ बाप और बहन की हत्या हो गई थी। दोनों लड़के नाबालिग हैं। तो पूज महाराज जी से मैंने अनुरोध किया था, अभी जब गोरखपुर भ्रमण के दौरान महाराज जी ऐसी ऐसी घटना हो गई, वो परिवार बहुत निहायत ही गरीब है, काम क्रिया करने की भी स्थिति में नहीं है, तो उसको अगर आपके स्तर से सहायता मिल जाए तो बेहतर होगा। पूज महाराज जी ने कहा निश्चित मिलेगा, और नेक्स्ट डे ही उस पर पूज महाराज जी ने अमल किया और हमको दोपहर में ही कॉल आ गया कि उनका पैसा जो है स्वीकृत हो गया है और 5 लाख रुपये जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा, चेक आप जा करके वितरित कर रहे थे। इनको पता किया गया कि लोग रायगंज में नहीं रहते थे, अपने मामा के साथ भी प्राइज में रहते थे, तो उनसे संपर्क किया गया हमारे एडीएम एफआर महोदय के द्वारा और कानगो वीर बहादुर सिंह के उससे और वहाँ के सर्किल लेखपाल के माध्यम से उनसे संपर्क करके उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर ही आकर के अपना चेक ले लेंगे। तो आज यही जिलाधिकारी कार्यालय पर जो है उन लोगों को चेक दिया गया है और ये भरोसा दिलाया गया है कि कोई भी दिक्कत अगर होती है तो प्रशासन आपके साथ खड़ा है, आपका क्षेत्रीय विधायक है, मुख्यमंत्री का जहाँ यह जिला है, तो निश्चित है कि कोई आगे इन लोगों के साथ कोई घटना या कोई दिक्कत इन लोगों को नहीं हो सकती। प्रशासन और हर स्तर से सारे लोग तैयार बैठे हैं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में अभी 25 अप्रैल को एक दुखद घटना हो गई, जिसमें गामा निषाद जी के परिवार, उनका स्वयं, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की एक सिरफिरे व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई है, और उस ये घटना अत्यंत दुखद थी। इसकी सूचना माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत अनुरोध किया गया कि परिवार बहुत गरीब है, उसको शासकीय सहायता मिलनी चाहिए। तो तत्परता से राज्य सरकार ने इस पर कार्य करते हुए हमें परसों अर्थात 29 तारीख और 30 तारीख को पैसा उपलब्ध करा दिया गया, जिसका चेक बनकर तैयार हो गया था। और आज चूँकि वे लोग रायगंज में नहीं थे और यहीं पिपराइज साइड में थे, उनको यहीं कलेक्ट्रेट में आमंत्रित किया गया था, और माननीय विधायक जी श्री विपिन सिंह जी, मैं स्वयं जिलाधिकारी महोदय का प्रतिनिधि, वीर बहादुर सिंह जो आरआई थे तहसील के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय लेखपाल और कुछ और लोगों की उपस्थिति में उनके दोनों बेटे, एक अच्छे लाल और दूसरा सुग्रीव, दोनों को ढाई ढाई लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया है। उनको माननीय विधायक जी ने भी और हमने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है कि यदि कोई उनको समस्या होगी तो वे हमारे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।